मुझे टोटल 10 लोग अभी बोल के मैं कुछ पूछूंगा, अभी उसका उत्तर 10 लोग अनम्यूट करके दें कृपया। कि ये जो व्याख्यान यहाँ पे रोज हो रहा है, 190 सत्र हुए, आप इसको आप जो भी लोग यहाँ पे सुनने आते हैं, आप स्टूडेंट हैं या पेशेंट? 10 लोग अनम्यूट करके एक एक करके बताएं, स्टूडेंट या पेशेंट बोले। विद्यार्थी, स्टूडेंट, मैं ओके, पेशेंट भी हूं और सीखना भी चाहता हूं। दो चीजें, पेशेंट भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, पेशेंट पेशेंट भी भी और ज्यादा विद्यार्थी विद्यार्थी भी हैं। हैं, दोनों ही हैं, हम पेशेंट भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपको सबको एक चीज बताना चाहता हूँ सबको, कि ये जो पूरा सत्र डिजाइंड है, ये असल में स्टूडेंट के हिसाब से डिजाइंड है। अगर आप अपने खुद खुद को पेशेंट मान रहे हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के टच में हैं जो पेशेंट है, आपको और उन सब लोगों को जो पेशेंट अपने आप को मान रहे हैं या है भी, दोनों को ये समझना है कि पेशेंट के हिसाब से चिकित्सा तो मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो गोविंद भैया से भी मिलेगी और वैद्य जी से भी मिलेगी, दीपक भाई, अरुण भाई, सुशील भाई, सब लोग हैं। और भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो करेगा ही। पर अपनी प्राथमिकता इस सत्र को सुनने सुनते वक्त जो है वो स्टूडेंट की रखनी है, विद्यार्थी की रखनी है। क्योंकि ओके, वैद क्योंकि यहाँ पे वैद निर्माण क्रांति हो रही है, ना कि माफ करना क्या बोलते हैं, मरीज निर्माण क्रांति। ठीक है, थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा कोई भारी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी के भी घर में कोई भी पेशेंट ना हो, ऐसी ही हमारी कामना है। पर खुद को पेशेंट समझ के व्याख्यान सुनने आना ये गलत है, एक तो ये। दूसरा ये है कि जो भी चिकित्सा ले रहा है उसको अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, या उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और वैद्य जी फोन नहीं उठा रहे हैं, या कोई भी और फोन नहीं उठा रहा है, तो आप ग्रुप में लिखें, सत्र में आके, जैसे ये प्रश्न उत्तर वाला होता है, तो उसमें बार बार बोलें। क्योंकि आप नहीं बोलेंगे अगर, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि पता, देखिए, वैद्य जी को पता कैसे चलेगा कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है? ठीक है, तो बोलें, बोलेंगे। और अगर आपकी वैद्य से बात नहीं हो रही है तो आप दीपक भाई को बोलें। ठीक है, और यहाँ पे इस बात को रखें। अब टेलीग्राम में तो आप लिख नहीं पाएंगे, व्हाट्सएप वाले में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप वाला जो वैद्य निर्माण क्रांति है, उसका लिंक एक बार फिर से हम डाल देंगे यहाँ पे। दीपक भाई, आप भी डाल दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, अभी आपको लिंक मिल ठीक जाएगा आधे घंटे के अंदर। वैद्य निर्माण क्रांति नाम से जो ग्रुप है उसमें जुड़े, उसमें बार बार ये बात लिखें। और वैद्य जी को आप टैग भी कर सकते हैं। टैग कैसे करना है आपको पता है? @ करके वैद्य जी का नंबर जैसे या नाम डालेंगे तो टैग कर पाएंगे आप, तो वैद्य जी आपको उत्तर दे देंगे 1-to-1 में। क्योंकि वैद्य जी या तो फोन कर लेंगे आपको, वो अलग बात है। और इसके अलावा वैद्य जी, जो मैंने ये बात बोली कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको बोलना चाहिए, इस पर आपका क्या कमेंट है प्लीज? बहुत अच्छा, आज आपने मतलब उठाया है बात को। आयुर्वेद में चरक संहिता में चरक चरक जी ने एक बात मतलब जगह पे कहा है कि रोगी को जो है वैद्य के प्रति तन मन धन से निष्ठा भाव से समर्पित होना चाहिए। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आप कहीं मतलब बात लेते हैं, मतलब उदाहरण के तौर पर यदि आपने मतलब हमें कोई इलाज पूछा, कोई उपचार पूछा, तो हमने मतलब देखा, हमें तो ने मतलब नहीं मालूम है कि आपका प्रकृति क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका कार्यशैली क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, रात्रिचर्या कैसी है, उसका कुंडली हमारे पास नहीं होता है। वैद्य के पास में रोगी का कुंडली पूरा होना चाहिए, ऐसा चरक जी बताते हैं, सुश्रुत जी भी बोलते हैं, और हमने कई बार ग्रुप में बोला भी है, सत्र में भी, कि वैद्य के पास पूरी जानकारी पहले होती थी तो इसलिए एक दो पुड़िया देते थे तो पूरी तरह से ठीक हो जाते थे। आजकल वैद्य के पास मतलब कोई जानकारी ही नहीं है तो आपके मतलब चिकित्सा कैसे देंगे, औषधि कैसे बताएंगे, ये सबसे बड़ा गंभीरता का विषय है, गंभीर मतलब विचार करने का विषय है।
तो मान लीजिए कि एक बार हमने बता दिया और चुप हो गए, तो हमको मतलब ये मतलब नहीं है कि हमने बता दिया वो उससे ठीक हो जाएंगे। वास्तविकता ये है कि कार्य इतनी बढ़ जाती है तो हमें ध्यान में नहीं रहता है कि हमने कब और किसको क्या उपचार बताया था और उसको क्या हुआ था। ये ध्यान मतलब हमारे ध्यान से निकल गया होता है। तो यदि रोगी यदि ये समझने लगे कि वैद्य ने बताया है सत्यवान जी ने, अब फर्क नहीं पड़ा, जानो जाने दो उसको, दूसरे वैद्य को मतलब जाते हैं, तो ये जो गलती है आप मतलब कभी मत करिए। क्योंकि ऐसा होता है, हमने मतलब स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है कि रोगी को जब मतलब एक बार से ठीक नहीं होता है, कभी कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि हर रोगी के ऊपर होता है, कुछ कुछ रोगी होते हैं जिनके ऊपर वो सही तरीके से काम नहीं करता, लागू नहीं करता है। तो लगभग 70% के ऊपर सही तरीके से तीर निशाने पे लग जाता है, परंतु 30% रोगी ऊपर कभी कभी तीर निशाने पे नहीं लगता है, ये मतलब देखने में मिला है, आया है। तो रोगी फिर क्या करे कि वैद्य को बोलना है कि आपने मुझे ये मुझे मुझे ये हुआ था, आपने मुझे ये औषधि बताई थी, परंतु मुझे उससे कोई फर्क नहीं मिला, मतलब कोई आराम नहीं मिला, कृपया करके मेरे लिए कोई दूसरी औषधि बता दीजिए, या तो फिर मुझे मुझे ठीक करना है, आपको मतलब मुझे ठीक करना है, मुझे नहीं मालूम आप मुझे क्या देंगे क्या करेंगे, आप मतलब पूरी तरह से बता देना है, मतलब समर्पित भाव हो जाना है। तो वहां पे क्या करना है, मतलब मैं हो या कोई भी वैद्य हो, वहां पे उसे वो विवश हो जाता है विचार करने पर कि इस रोगी को मुझे ठीक करना है, तो वो परमात्मा के ऊपर वो ध्यान करने लग जाते हैं कि भगवान मुझे कोई दिव्य बुद्धि दे, या तो सद्बुद्धि दे, या तो कोई मतलब प्रेरणा दे कि मैं उसे क्या उपचार दू, क्या करूँ जिससे ये रोगी रोग से मुक्त हो, तो भगवान को स्मरण करने लग जाते हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ उस मन में बुद्धि में प्रेरणा देते हैं। तो यदि फिर भी मतलब यदि ठीक नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे अपने जीवन काल में कभी कभी 3 बार 4 बार मतलब ऐसे रोगी मतलब आते थे, मतलब वो धैर्य नहीं हुए, धैर्य को मतलब हारे नहीं, अधैर्य नहीं हुए, वो फिर आए बोले कि हमें नहीं मालूम हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस हमें ठीक होना है, बस आपसे ही मतलब हमें ठीक होना है। तो ऐसा कभी कभी मतलब हो जाता है ना, जैसे मतलब मैंने एक बार बोला भी था कि किसी बहू ने किसी सासू माँ को मतलब हाथ मतलब चाप मतलब थप्पड़ मार दिए थे, तो उसके हाथों में मतलब दर्द हो रहे थे और वो लगभग 2 से 2.5 महीने तक वो दर्द से तड़पती रही, छटपटाती रही। तो वो ऐसा मतलब घूम फिर कर मतलब एक दिन आ गया, आ गई वो और बोले कि वैद्य जी अभी मतलब आपसे मतलब हमको मतलब एलोपैथी कर लिए, होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब मतलब कर लिए, और हमने उनको योगेंद्र बाथ चिंतामणि रसराज वो सब मतलब दे दिए थे, यहाँ तक कि अफीम अफीम भी मतलब उनको खाने के लिए बोल दिया था, तो उन्होंने अफीम भी खा लिए थे, तो फिर भी उनको मतलब दर्द से छुटकारा नहीं मिला था। तो एक दिन वो रोते हुए मतलब आकर के मतलब पैरों में गिरी, बोले कि मतलब आप या तो हमें ठीक करिए या तो कोई जहर ही दे दीजिए जैसे खा करके हम मर जाए, ये उन्होंने अंतिम वाक्य में बोला था। तो उस दिन हमारे मतलब आंखों में आंसू आ गए थे और मन में मतलब छल छल मतलब हो गया था, व्याकुलता से भर गया था। फिर मतलब उन्होंने मतलब परमात्मा का जब नाम लिया, परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वो फिर मतलब हम उनसे बात करने लगे मन को हल्का करने के लिए, तो तुम मतलब थोड़ा बैठो, मतलब तुम इसने अधर अधर ना हो। तो जब भी धीरे धीरे वो से बात करने लगे तो पता चला कि उन्होंने अपने सासू माँ को मतलब मारा था थप्पड़, तो फिर हमने बोल दिया था कि आप अपने सासू माँ को माफी मांग लो तो वही ठीक हो जाएंगे। तो ये बात मतलब मुंह से तब भी तो निकल सकती थी, क्योंकि वैद्य वही है, रोगी वही है, तो ये भाव मतलब क्यों नहीं आया था, ये भाव इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो उसमें मतलब संभवतः समर्पण का भाव नहीं था, वे केवल मतलब दर्द से के मारे तड़प रही थी, तो अपना दर्द को ठीक करना चाहते थे, परंतु वो रोग से मतलब मुक्त होना उस समय मतलब नहीं था, या तो फिर ऐसा यूं कहे कि वो संयोग भी मतलब नहीं हो सकता था, ऐसा भी मतलब हम कह सकते हैं। परंतु चरक जी ने कहा है जब तक आप तन से मन से धन से निष्ठा से समर्पित नहीं होंगे वैद्य के पास, तो आपका मतलब रोग कभी भी मतलब ठीक नहीं हो सकता, आपका रोग का जो कारण है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए समर्पण की भावना परमावश्यक है। और आपको मतलब ये नहीं कि ठीक नहीं हुआ तो चलो मतलब दूसरे की जगह चले जाए, ये कर दे वो कर दे, ये कतई नहीं करना है। आप मतलब एक बार देखे दो बार देखे जो वैद्य को मतलब होता है ना मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, तो सामने से बोल देते हैं, मुझे जब मतलब मालूम पड़ता है कि ये ठीक नहीं होगा मैं सामने से बोल देता हूँ, भैया आप मतलब देख लो आप मतलब अपने किसी और वैद्य को, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं सामने से मतलब बोल देता हूँ। तो यदि मतलब नहीं होता है तो बात की बात है, परंतु यदि मतलब आप एक बार लेंगे तो चुप हो जाएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, तो बताना पड़ेगा, बिना बोले वो नहीं हो सकता है। ठीक है जी, जी। और एक लास्ट है, एक और बड़ा कमेंट आ रहा है वैद्य जी के, वैद्य जी जो भी, एक दो कमेंट आ रहे हैं, तीन तीन तीन। एक तो मेरी दरख्वास्त है कि जो आपने जो भी जिन लोगों से भी नाड़ी देखी थी उनका जो भी इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करनी है वो जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं
और वो ये उतावले शब्द तो कुछ भी नहीं है, असल में वो कंप्लेंट कर रहे हैं बहुत भयंकर वाली, ठीक है आप समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि वो सामने कुछ नहीं बोलेंगे बट वो कॉल पे तो सीधा यही बोलते हैं, अरे बताया नहीं बताया नहीं, ठीक है काफी ज्यादा कंप्लेंट करते हैं। तो वो आप काम कर देना जितनी जल्दी हो सके समय मिलने पे। दूसरा ये हो रहा है बहुत के ये कंप्लेंट आती है कि वैद्य फोन नहीं उठाते, तो उसका भी आप देख लो कैसे करना है। या तो एक काम करो, एक समय इसी में ही रख लो, मैं तो बोलता हूँ अगर वो लोग पर्सनल बातें नहीं, पर पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो फिर आप देख लेना अपने हिसाब से कि मतलब आप टाइम निकाल के या तो बैक कॉल कर लो उनको, नंबर वंबर लिख लो, है ना, मतलब कुछ देख लो सोल्यूशन निकाल लो, क्योंकि वो लोग ना बहुत तंग कर रहे हैं, मतलब मेरे को तो तंग करते हैं, दूसरों को वो तंग करते कि नहीं करते मुझे इतना पता कि मुझे तो बहुत बोलते हैं जब भी मेरे से बात होती है कि फोन नहीं उठाते फोन नहीं उठाते, ठीक है। एक तो ये, तीसरा ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि हर कोई ये बोलता है कि वैद्य जी महंगी दवाई बताते हैं, ठीक है। तो अब इसका कमेंट आप दोनों तीनों चीजों का जो जो आप दे सके तो दें प्लीज। हाँ, मैं अभी उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आपने जो दिल्ली में या तो सिरोही में अन्य अन्य जो जगह पे देखा है, उसमें ऐसा हुआ कि आगे पीछे होकर के हमने बताया है। हमारी इच्छा थी कि मतलब हम क्रमान्वय भाव से मतलब एक एक करके बताते, परंतु किसी का फोन आया कि नहीं मुझे बता दो मुझे बता दो मुझे बता दो, तो उसमें भी मतलब चलो पूछ रहे हैं फोन कर रहे हैं तो हमने बता दिया, तो किसी का आगे किसी का पीछे ऐसा होकर के बता दिया, तो जिससे कि हम भी मतलब हमें भी मतलब स्वयं को जानकारी नहीं कि हमने किसका बताया है किसका नहीं बताया है। ये मतलब दिक्कत है हमारे तरफ। अभी जो ये गए थे पुंडाग में, वो वहां का तो मतलब हमने अभी बताया नहीं है क्योंकि समय का अभाव से, क्योंकि आज अपराह्न में हम थोड़े मतलब मुक्त हुए, कार्य मुक्त हुए तो बताया नहीं, आज रात को बता देंगे सबके सब। परंतु वो जो दिल्ली में या तो अन्य अन्य जो मतलब जहाँ पे बताया था, अभी जैसे ईश्वर भैया ने बताया कि मेरा बताया नहीं है, संभवतः उनका छूट गया होगा तो उनका बता देंगे। यदि और किसी का रह गया है तो कृपया मुझे मैसेज कर दे, संदेश भेज दे, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान से निकल गया कि मैंने किसका बताया किसका नहीं बताया। मैं अपनी ओर से ये भूल को वैद्य स्वीकार करता हूँ। हाँ वैद्य जी जी, हाँ एक जी मैं बैठी हूँ लाइन में। वैद्य जी कब से बैठी हूँ, 4-5 दिन हो गए। वैद्य जी कब से फोन करती हूँ और मैसेज भी करे। वैद्य जी हाँ जी मेरा हाँ जी मार्गदर्शन नहीं कर लेना। वैद्य जी प्लीज। वैद्य जी नहीं आज आज रात को मतलब सत्र को समापन होने बाद में आराम से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो मुझे दूसरी याद बात रख है याद रख वैद्य जी प्लीज मुझे याद रखिए आप। जी, सबको याद रखे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। वैद्य आप सबके लिए जी मतलब को हमारा जीवन सबसे मार्ग समर्पित है, ऐसा ना सोचे, ऐसा ना विचार करें कि मतलब हमारा ऐसा है ऐसा है, मतलब हम आप सबके मतलब पूरे संसार के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया है कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है। और ये तभी होगा जब आप लोग मतलब सब स्वस्थ होंगे। बिना मतलब कोई स्वस्थ कोई क्रांतिकारी नहीं बन सकता, ना ही क्रांति कर सकता है ना, ना अपने मतलब लक्ष्य स्थल पर पहुंच सकता है। तो सबको मतलब स्वस्थ करना है, स्वस्थ बनाना है। परंतु उसमें मेरी ओर से मतलब आप सबसे मतलब अनुरोध है कि केवल मैं उपचार बता दूं उतने में से नहीं होगा, जितने सारे जो उसके जो पथ्य और अपथ्य है, जो नियम है, उन अपने दिनचर्या को रात्रिचर्या को आप सबको ही पालन करना पड़ेगा। ये गंभीरता से और बाध्यता मूलक से मतलब पालन करना पड़ेगा, ये मतलब आप पर निर्भर है। क्योंकि आयुर्वेद में चरक संहिता में आप देखेंगे चतुष्क अध्याय में कहा गया है कि चिकित्सा के चार चरण होते हैं, जब चारों चरण मतलब सिद्ध होते हैं सफल होते हैं तब जाके वो चिकित्सा सफल होती है। जैसे आप मतलब किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो उसमें चार मतलब चरण होते हैं ना बैठने के, यदि उसमें से कोई एक चरण यदि मतलब एक टांग टूट जाए कुर्सी का तो आप तो नीचे गिर जाएंगे, आप मतलब बैठ नहीं सकते। तो ठीक उसी तरह जैसे पलंग में चारपाई में चार चरण होते हैं, कुर्सी में चार चरण होते हैं, तो चिकित्सा का भी चार चरण है। तो पहला चरण होता है ना स्वयं रोगी, मतलब रोगी का मतलब ये स्वभाव होना चाहिए कि वैद्य के प्रति वो समर्पित हो जाए, ये सबसे पहला लक्षण मतलब गुण होना चाहिए। दूसरा चरण है वैद्य, मतलब रोगी को मतलब जब वो आया समर्पित मतलब उसका निष्ठा दे करके उसके अनुसार मतलब वो उत्तम वर्ग में है, मध्यम वर्ग में है, या तो मतलब निम्न वर्ग में है, वो कौन से वर्ग में है जान जान करके उसके प्रकृति के आधार पर उसे रोग का निदान करके उसे औषधि बताना, ये औषधि मतलब ये वैद्य का गुण हुआ। फिर
फिर औषधि का गुण मतलब ये है तीसरे चरण में कि जो औषधि मतलब उसको बताया गया वो औषधि गुणवत्ता युक्त हो और वो सूक्ष्मता से परिपूर्ण हो और शीघ्रता से काम करने वाली हो और जो विधि पूर्वक बनाने वाले की जो मतलब नियम है उन नियम से बनाया गया हो, ये तीसरा चरण है। चौथा चरण है कि रोगी के आसपास 24 होरा मतलब दिन रात कोई जो रहता है या तो रहती है उसे परिचारक या तो परिचारिका कहा जाता है। तो उसकी मनोगत जो मतलब मानसिक मानसिकता स्थिति है वो एकदम दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। अरे तुम सदा ठीक हो जाओगी, तुम तो जल्दी मतलब शीघ्र स्वस्थ हो जाओगी, चिंता क्यों करते हो, मतलब औषधि मतलब बहुत अच्छा है, बेदी ने बहुत अच्छे अच्छे औषधि दिए, तुमने तो सब कुछ बता दिया है, कुछ तो छिपाया नहीं है, और तुम परमात्मा का भजन करो, हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है ना, हम तुम्हारे साथ है, मतलब चिंता क्यों करते हो, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, मतलब ऐसे उसके मतलब सकारात्मक मतलब भावना बढ़ाने वाली, ऊर्जा को बढ़ाने वाली कोई ना कोई कहानी सुनाने वाला होना चाहिए। जैसे कोई नाना नानी दादा दादी मतलब कंधे में बिठा करके संध्या के समय में पोता पोती नाता नाती नातिन को कहानी सुनाते थे, वैसे ही मतलब सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण वाला कहानी मतलब सुनाने वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए परिचारिक में या तो परिचारिका में। जैसे कि आजकल नर्स स्टाफ खोल दिया है मतलब कहा जाता है, परंतु नर्स स्टाफ से अधिक मात्रा में रोग आते हैं, ये आपको मतलब आप ध्यान में देंगे मतलब ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये जो चार चरण है चिकित्सा के, तो चारों चरण के ऊपर मतलब ध्यान देना भी परम आवश्यक है, केवल वैद्य अकेला मतलब कुछ नहीं होगा वैद्य के हाथ से। और आपने जो बोले कि मतलब फोन नहीं उठाते, उसमें ऐसा है कि जैसे अभी हम मतलब चले गए थे 5-6 दिन के लिए, तो जब हम मतलब शिविर के लिए जाते हैं कहीं पे भी तो हमारे पास अपने फोन को रखते नहीं है, फोन को मतलब मौन को रख करके मतलब मौन करके उसको बैग में ही मतलब थैले में ही उसको अलग से कर देते हैं कि मतलब हम स्वयं विश्रृंखला ना हो और वहां पे रहने वाले किसी के साथ में विश्रृंखलित ना हो, इसके लिए मोबाइल मतलब पास में रखते नहीं है, ये पहली मतलब मतलब दिक्कत है। और दूसरी बात है कि हम जब औषधि बनाते हैं या तो सुबह के 7 से 11 और शाम को 7 से 11 उस समय तो हम मतलब फोन बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह के समय नाड़ी देखने का होता है और शाम के सत्र का समय होता है। तो ये समय छोड़ने के बाद में यदि जो अन्य समय बच जाते हैं, यदि हम घर पर है या तो थोड़े मुक्त है कार्य मुक्त, तो निस्संदेह रूप से बात मतलब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तीसरे का जो आपने प्रश्न रहा, फिर भी मतलब आपने जो यदि प्रश्न बात करने के लिए समय यदि नियत मतलब किसी को है, मैं सोचता हूँ कि अपराह्न जो काल है 2 से 4-5 बजे तक वो समय मतलब सही रहेगा, क्योंकि उस समय मतलब थोड़ा धीरजता का रहता है, इतना मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हाँ यदि हम कहीं बाहर है व्याख्यान होने वाली या तो शिविर अनुष्ठित हो रहा है तो उस समय भी मतलब बात नहीं हो पाएगी, इतना है, बाकी अन्य दिनों में ये इस समय मतलब बात हो सकती है थोड़ी बहुत, और परंतु मतलब ज्यादा लंबी लंबी बात नहीं हो पाएगी, इतना मतलब है। और आपने जो तीसरा प्रश्न किया था कि वैद्य जो बताते हैं महंगी महंगी दवाई बताते हैं, ऐसा नहीं कि सबके लिए मतलब महंगी महंगी दवाई बताते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में मतलब चूहा घुस गया है, तो क्या आप मतलब चूहे को मारने के लिए उसको मतलब तोप लेके जाएंगे मारने के लिए, तो आप मतलब लाठी से ही मतलब उसको मार देंगे, या तो मतलब यदि मतलब उसको पानी से यदि छिड़काव करेंगे तो ऐसे ही मर जाएगा। तो कहने का अर्थ है, परंतु यदि आपके घर में डायनासोर घुस गया है या तो कोई मतलब बहुत बड़ा राक्षस घुस गया है, जो कि मतलब जैसे मतलब ये हॉरर नहीं क्या बोलते हॉलीवुड मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है, तो आप उसमें मतलब गोली गोला बारूद गोली मतलब लेकर के लाठी लेकर के डंडा लेकर के थोड़ी मारने जाएंगे, वो तो आपको मार देगा। तो वहां पे तोप आपको चाहिए ही चाहिए, बिना तोप के तो आप मतलब ठीक ही नहीं हो सकते। इसका प्रमाण है चरण संहिता का 8वां स्थान जिसका नाम है सिद्धिस्थान। सिद्धिस्थान उसका नाम ही सिद्धिस्थान इसलिए रखा गया क्योंकि हमें चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त करनी है, मतलब हम जब मतलब वैद्य कोई मतलब रोगी को चिकित्सा करते हैं तो उसमें सिद्धि यानी कि सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता उसे कैसे मिलेगी, तो चरक जी ने कहा है कि कुछ कुछ ऐसे रोगी रोग मतलब होते हैं जो कि गंभीर का रूप ले लेते हैं, तो जब गंभीरता रूप ले लेते हैं तो उसमें बिना पंचकर्म के आपको सिद्धि नहीं मिल सकती, तो इसलिए आपको मतलब वहां पे पंचकर्म चिकित्सा की आपको परम आवश्यक बनी रहती है। परंतु बड़े दुख की बात है, चरक संहिता में सुश्रुत संहिता में जो आदि मतलब मौलिक ग्रंथों में कहा गया है पंचकर्म को लेकर के, तो 150 दिन का मतलब होता है पंचकर्म चिकित्सा, और वहां पे आपको जा करके पूरा जैसे मतलब आजकल इंडोर मतलब सिस्टम होता है ना इंडोर मतलब हॉस्पिटल में इंडोर सिस्टम, मतलब आपको वहां पे जा करके एडमिट हो जाना है, भर्ती हो जाना है, वो आपको मतलब आएंगे जाएंगे हॉस्पिटल वो सब नहीं, वहां पे जाके भर्ती होना है 5 महीने के लिए। तो आप मतलब 5 महीनों के लिए भर्ती होकर के आप अपने घर बार मतलब सारा मतलब संसार जैसे कोई सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हो गया है, अपना घर बार का मोह माया सब छोड़ करके मतलब चला गया हो,
तो उसी प्रकार से मोह माया से आपको दूर होकर के आपको मतलब चिकित्सालय में भर्ती होनी है पंचकर्म चिकित्सा के लिए। तो पूरे 5 महीने की चिकित्सा अवधि होती है। परंतु बड़े दुख की बात है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय मतलब निकल गए, बहुत सारे ऐसे चिकित्सालय हो गए, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 20 दिन में, पता नहीं जिनको जो सुविधा लगे वो उतने दिन का वो पंचकर्म का कोर्स बना रहे। और कोई 2 लाख रुपए ले रहे, कोई 6 लाख रुपए ले रहे, केरल में तो मुझे पता चला कि 11-12 लाख रुपए लेते हैं 1 महीने का। तो मैं तटस्थ रह जाता हूँ, 1 महीने का 12-13 लाख रुपया केरल में, मतलब करते क्या है इतना, मतलब 5 महीने में भी मतलब उतना खर्चा नहीं आता जो 1 महीने में इतना ले लेते हैं। तो कहने का अर्थ है, एक तो मतलब वास्तविक मतलब चिकित्सा नहीं होती। परंतु कुछ लोग बोलते हैं कि अभी पंचकर्म करने के लिए कहाँ जाओ, मतलब कोई औषधि बता दो। तो औषधि से कितना हो पाएगा, क्योंकि आपका शरीर मतलब इतना मतलब विष भरा पड़ा है, इतना मतलब अर्जव भरे पड़े हैं। जब तक वो अर्जव नहीं निकलेगा, जब तक वो विष बाहर नहीं निकलेगा, शोधन नहीं होगा, तो रोग का शमन कैसे होगा? बिना शोधन के शमन हो ही नहीं सकता। आप चरण संहिता में देखेंगे तो चरण संहिता में चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में बताया कि जब तक आपके शरीर का शोधन नहीं होगा, तब तक आपका रोग का शमन नहीं होगा। चरक जी ने साफ साफ मतलब स्पष्ट रूप से वो मना कर दिया है। परंतु हम थोड़े विचार करते हैं, चलो ये हमारे मतलब भाई है, ये हमारे बहन है, थोड़ा कुछ उसको उपचार बता देते हैं। तो उस समय है ना, हमें मतलब स्वर्ण कल्प की औषधियां या तो कुछ मतलब रजत कल्प की औषधियां, कुछ पारद रस कल्प की औषधियां, वो सब बताना पड़ता है। और अभी जो समय का दौर चल रहा है, बिना स्वर्ण कल्प के, बिना रस कल्प के औषधियों से कोई भी मतलब स्वस्थ नहीं हो सकता। यदि स्वस्थ होना है तो उसे प्रकृति को सुधारना पड़ेगा, और प्रकृति के गोद में यानी के वनस्पतियों के आपको चरण में जाना पड़ेगा। वनस्पति यानी कि वृक्ष देवता के मतलब उनके पाद में जाना पड़ेगा, शरण में जाकर के उनके शरण लेना होगा कि हे वृक्ष देवता, हे वनस्पतियों, मुझे मतलब कृपा करके रोग से मुक्ति करो। और ये कहकर जब आप उनके शरण में जाएंगे तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप निसंदेह रोग मुक्त हो जाएंगे। परंतु आप वनस्पति है कहाँ, कहाँ पर वनस्पति है? वनस्पति तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, पेड़ पौधे तो बहुत कम होते जा रहे हैं। जो असली वनस्पति है, असली पेड़ पौधे है, वो तो देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। बाकी जितने सारे जो पेड़ पौधे मिल रहे हैं, वो तो खेती बनाए, खेती किया जा रहा है। वो तो कंपनियां मतलब मिल करके वो सब किसान लोगों को बीज देते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम इसकी खेती करो, इतने दिन के, इतने महीने का, इतना साल का, तुम्हें कितना चाहिए बोलो, तुम्हें और कुछ खेती नहीं करनी है, बस तुम्हें जो पैसा चाहिए, जितना चाहिए हमको मतलब तुम्हें देंगे, और जिसका मतलब कटौती होगा तो वो सारा का सारा अमल करके तुम हमें देना। ये मतलब एक प्रकार से सारे मतलब कितने कंपनियों का नाम बताओ, सारे कंपनियों में एक से बढ़कर एक है। मतलब हम मतलब ये प्लेटफॉर्म में मतलब बोल भी नहीं सकते, रिकॉर्डेड मतलब नाम नहीं ले सकते, बीबस है। परंतु हम मतलब इशारे से बोल रहे हैं, फिर भी मतलब कोई समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई समझना चाहता ही नहीं है। सब लोग को लगता है कि मतलब कोई कंपनी का औषधि बता दो, भैया कंपनी के औषधि में मतलब है ही नहीं कुछ, आप मतलब मानेंगे नहीं। तो चरक संहिता में चरक जी ने कहा है, जब आपको मतलब प्रकृति तांडव करने लगे हो, देश में चारों तरफ जब उपद्रव ही उपद्रव देखने को मिले हो, तो आपको क्या करना चाहिए? चरण संहिता के प्रथम प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में, श्लोक की संख्या मुझे अभी ध्यान नहीं है आप मतलब, परंतु चरण संहिता में देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि चारों ओर जब जब देश के उपद्रव मतलब फैल गया हो, जब चारों ओर केवल विध्वंस ही विध्वंस नजर आ रहा हो, जब हर किसी के मन के विकृति होता जा रहा हो, हर घर में जब मतलब आपको रोगी देखने को मिले, तब आपको स्वर्ण भस्म की कल्पना के रस कल्प की औषधियों का आपको चिकित्सा करनी चाहिए, ना कि किसी आपको पेड़ पौधों से, ना ही मतलब आपको काढ़े अन्य अन्य द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब वहां पे उन्होंने मतलब साफ साफ शब्दों में कहा है कि जड़ी बूटी की चिकित्सा न करके रस कल्प की औषधि चिकित्सा करनी चाहिए। ये चरक जी ने स्वयं कहा है, क्योंकि चरक जी ने मतलब मालूम था, क्योंकि वो धन्वंतरि भगवान के अवतार थे। तो आप अभी के समय में यदि रसकल्प की औषधियां, स्वर्ण कल्प की औषधियां लेते हैं तो महंगा तो पड़ेगा ही, क्योंकि सोने का तो जो भाव है, रस का जो भाव है, वो आप सबको मतलब ज्ञात ही है, उस विषय में हम क्या कहें। और हम नहीं कहते कि मतलब आप हमसे मतलब लो, आप मतलब अपने आसपास मतलब किसी भी दुकान के पास चले जाओ, आपके आसपास कोई भी मतलब जो जान पहचान के वैद्य हो आप उनके पास चले जाओ। तो परंतु आप ऐसा है कि कहीं से भी मतलब आप औषधि लेंगे तो स्वर्ण कल्प की औषधि, रस कल्प की औषधि, वो महंगी होती ही होती है, इतना तो है। परंतु यदि आप उनसे बचना चाहते हैं तो पंचकर्म एकमात्र विकल्प है। और मैं आपको वहां से मतलब पूरे खुले भाव से मतलब मैं मन से बोलता हूँ, आज तक मतलब मैंने नहीं बोला था रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड में, नॉन रिकॉर्ड में, सब हर किसी को, रोगी को बोलता हूँ आज बोलता हूँ कि अभी का जो समय दौर चल रहा है 2042 तक, जो पंचकर्म चिकित्सा नहीं करेंगे उनको बचाने वाला स्वयं परमात्मा भी नहीं आएगा। आप कोरे कागज पर लिख लीजिए, आप कोई भी मतलब औषधि सेवन करिए, आप कुछ भी करिए, पंचकर्म चिकित्सा आपको चाहिए ही चाहिए,
जो कोई भी मतलब गंभीर रोग हो, बिना पंचकर्म के चिकित्सा के कोई भी रोगी आज के समय में ठीक नहीं होगा, मतलब स्वस्थ नहीं होगा। हाँ, आप मतलब ऐसा कुछ औषधि का प्रयोग करके लक्षण को दबा सकते हैं, परंतु रोग का कारण कतई नष्ट नहीं होगा। आप कोरे कागज पे मतलब लिख लीजिए, मतलब एकदम मतलब आपको गंभीर वाणी से मतलब बोल रहा हूँ मैं, एकदम सीरियस होकर बोल रहा हूँ, जो सत्य है वो परम सत्य है। तो ठीक है, इतना मतलब कहना था। बाकी आप लोग की और कोई शंका हो, कोई संकोच हो, तो निसंदेह मतलब उपस्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ने मुझे फोन किए थे, बोले कि आपसे बात करने के लिए हमें डर लगता है। तो मुझे मतलब हंसी आई, बोला क्यों भाई, मैं कोई बाघ हूँ, भालू हूँ, शेर हूँ, भूत हूँ, प्रेत हूँ, या तो किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब डर क्यों है? बोले पता नहीं क्यों आपसे बात करने के लिए डर लगता है, मैं अपने मन की बात आपको कुछ बोलना चाहता हूँ तो, परंतु मैं बोल नहीं पाता हूँ मैं अपनी बीमारी के बारे में। तो बोला जब तक तुम मतलब अपने मन की बात नहीं बता पाओगे, तो मुझे रोग के कारण को समझने में तो दिक्कत होगी, कष्ट कठिनाई होगी, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कारण, तो फिर उपचार कैसे बता पाऊंगा? तो मैं नहीं बता पाऊंगा सही तरीके से, तो फिर आप मतलब पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसमें डरना कैसा है? आप मतलब ऐसा है, जब आप मतलब वैद्य के पास जाओ, वैद्य से बात करो, तो ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, या तो ये मेरे पुत्र है, या तो ये मेरे पिता है, या तो मेरे ये अब मेरे अपने हैं, ये मेरे मित्र है, ये मतलब आप अपने मन में ये भाव लेकर के मतलब जब बात करेंगे, तो फिर मतलब ये होगा। सरक संहिता में एक जगह पे मतलब ये कहा है कि औषधि जाह्नवी तोयम, जितने सारे जो भेषज होते हैं मतलब औषधि दवाई होती है, वो गंगा जल के सदृश है, और वैद्य नारायण हरि, जो वैद्य होते हैं वो भगवान नारायण के समान है, हरि भगवान के समान होते हैं, ऐसा चरक जी बताते हैं। बाकी मैं नहीं बोलता कि मैं नारायण के समान हूँ, हरि के समान हूँ, परंतु रोगी के मन में ये भाव होना चाहिए, और उस प्रकार से वैद्य से बात करना चाहिए। और जब आप औषधि को मतलब ग्रहण करें, या तो औषधि का नाम ग्रहण करें, तो उससे भी मतलब रोग जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस विषय में मैं आपको एक 6 महीने पहले की एक सच्ची घटना बताता हूँ, एकदम सच्ची घटना, मैंने बताया नहीं था ये, मैंने सोच रखा था पाचक पित्त के ऊपर मतलब बताने के लिए, परंतु आज हरजिंदर भाई ने कुछ मतलब एक प्रश्न किए हैं, तो मैं उसको बताने पर मतलब मैं विचार कर रहा हूँ। मतलब बात ऐसी हुई है, रात को लगभग 12 मतलब बज रहे हैं, 12:15 12 बजे का समय है, मतलब एक रोगी आते हैं, मतलब रोगी आते क्या, उसको मतलब पकड़ करके लाते हैं बाइक में, मतलब बाइक नहीं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, टेम्पो में मतलब लेकर के आते हैं, और मतलब रोगी का आयु ज्यादा नहीं है, 50-52 वर्ष का ही है, और उसके साथ में हट्टे कट्टे चार मतलब तीन चार युवक मतलब मिल करके आते हैं, तो मतलब बेल कलिंग बेल बजाते हैं, तो फिर मतलब हम बाहर आते हैं, वैद्य जी बाहर आते हैं, तो फिर वो मतलब बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या है अब इतने समय में मतलब रात को मतलब आए हैं? बोले हाँ, इनको मतलब दिखाना है। बोला आप एक काम करो, यदि कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, तो कल सुबह में आना तो अच्छा रहेगा। ये इसलिए हम बता रहे हैं, ये सच्ची घटना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मतलब औषधि काम करता है या क्या काम करता है, ये आपको मतलब समझ में आ जाएगा बराबर। तो बोले कि मतलब नहीं, इनको मतलब ये रहा नहीं जा रहा है, ये बहुत मतलब रो रहे हैं, छटपट तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तो आप मतलब कैसे भी करके थोड़ा मतलब देख लीजिए, अभी उनका दर्द मतलब दूर हो जाएगा, फिर सुबह में देते हैं। तो फिर मतलब हमने पूछा, चलो मतलब हुआ क्या बताइए, तो बोले कि पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, ऐसा वैसा है। बोला भैया अभी मतलब मेरे पास इतना मतलब कोई दवा मतलब नहीं है, कुमारा सब भी था मतलब वो अभी खत्म हो गए हैं, सुलभजनी भी मतलब नहीं है, वा चिंतामणि भी नहीं है, और मतलब शंखवटी भी नहीं है, अभी मतलब ये सारे के सारे दवाई खत्म हो गए हैं, तो मतलब मैं कैसे करूँ? आप एक काम करो, नहीं तो किसी औषधि मतलब दुकान पे चले जाओ, तो एलोपैथिक स्टोर से कोई मतलब ले लेना, अभी मतलब मैं विवश हूँ, मेरे पास कुछ औषधि नहीं है, समाप्त हो गए हैं, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा मतलब उस समय मतलब बाहर था, दूसरे किसी दवाई पे मतलब बना रहा था एक औषधि। तो बोले कि नहीं, हम आपसे ही मतलब लेते हैं, फिर आप तो हमारे घर के वैद्य हो, तो आप ही मतलब दीजिए ऐसा वैसा। तो बोला मैं एक काम करता हूँ, रुकिए। तो मैंने एक हमारे मतलब ब्रह्मपुर के यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर दूरी पर उनका आयुर्वेद का औषधि दुकान है, मतलब घर से उनका 0.5 किलोमीटर दूर है, तो मैंने उनको रात को फोन लगाया, बोला कि भाई एक जरूरी बात है, औषधि कुछ मिल सकती है क्या, अभी घर पर हो कि ब्रह्मपुर में को बाहर हो? तो बोले हाँ हम ब्रह्मपुर में। अच्छा, तो आप एक काम करेगा कि मतलब थोड़ा कुछ औषधि दे सकते हो क्या रोगी को? मैं आपका नंबर उसको दे देता हूँ, और वो आपको फोन करेंगे, संपर्क करेंगे, वो आपके पास जाएंगे, तो थोड़ा औषधि दे देना। बोले हाँ कोई बात नहीं, आप दे दो तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारे मित्र जैसे, उनके साथ में संबंध, तो उन्होंने हामी भरी। तो हमने क्या किया उसमें, मतलब सुलभजनी बटी, शंखवटी, और उसमें मतलब ये मूली का खार, मतलब उमा कंपनी का भी मतलब आता है मूली का खार,
तो हमने मूल्य का अक्षर और श्वेत परपटी ऐसे कुछ मतलब योग बना करके कागज में लिख करके दे दिया, मतलब सब में से मतलब 5-5 मतलब ग्राम की मात्रा में लेकर के उसको मतलब चूर्ण बना लेना है। उसमें पर लिख दिया था हमने कि इसको 4 पुड़िया बना करके एक एक पुड़िया सुबह शाम मतलब 2 बार मतलब सेवन करना है, नींबू पानी से या तो पानी से गर्म पानी से जैसे भी मतलब जो भी मतलब मिले उसके साथ में सेवन करना है। और वो कागज में लिख करके मैंने बोल दिया कि मतलब मैंने लिख दिया है और इसको 4 पुड़िया करके मतलब 4 हिस्से कर लेना है, और एक एक हिस्सा दिन में 2 बार खाली पेट में या तो गर्म पानी से या तो नींबू पानी से जो आपको मतलब ऐसा लगे उसको मतलब खा लेना। तो वो मतलब चले गए और उसके 2 दिन के बाद में वो थोड़े मतलब कुछ सब्जी लेकर के आए, मतलब उनके मतलब खेत में बीन था और वो मतलब थोड़े लेकर के आए वो पुटली बांध करके। तो मतलब जब हम मतलब घर पे आए मतलब बाहर गए थे पतंजलि में सेवा सेवा देते हैं, तो वहां से जब मतलब आए तो उन्होंने मतलब ये मतलब हमको भेंट दिया। तो मैंने बोला कि ये क्या है, बोले कि ये मतलब मैं ठीक हो गया तो मैं आपके लिए खुशी से खुशी लेके आया हूँ। बोला लेकिन मतलब किस लिए लाए, मतलब आप मतलब हो क्या, मैं समझा नहीं मतलब पहचान नहीं पाया क्योंकि वो रात को अंधेरे में आए थे तो हमने अच्छे से उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। ये सच्ची घटना है। लगभग 6 महीने के पहले मतलब बरसात का मतलब महीना था, लगभग सावन का महीना था इतना हमें ध्यान है क्योंकि उस समय जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बीत चुका था, तो सावन का महीना था इतना हमें ध्यान है। तो फिर मतलब बोले कि मैं उस दिन रात को नहीं आया था, मतलब मुझे लेकर के वो गए थे हमारे मतलब गली के 3-4 मतलब युवक टेम्पो में लेकर के हम आपके मतलब घर गए थे। हाँ 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 तो आप आए थे तो आपको मतलब हुआ क्या था, वो तो पेट में दर्द था ऐसा कुछ हुआ था, तो अभी कैसा है। बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें मतलब जिज्ञासा लगी तो मैंने मतलब 2 दिन के लिए बताए थे उसी से ठीक हो गया और कोई मतलब औषधि सेवन किया, और तो हमारे मन में जिज्ञासा बढ़ गई। तो मैंने मतलब उनको पूछा अच्छा तो मतलब क्या क्या औषधि लिया आपने, मतलब दूसरा कोई किसी वैद्य के पास गए उस रात को, या फिर मतलब क्या किया आपने मतलब कैसे ठीक हुए। बोले कैसे क्या, आपने तो दिए थे आपसे मतलब औषधि से ठीक हो गया। बोले मैंने कौन दिया था, मैंने तो कोई औषधि नहीं दिया था आपको। नहीं, आपने दिया था ना वो मतलब पुड़िया मतलब करके कागज का। बोला वो तो मैंने अच्छा तो मतलब फिर मैंने रुक गया, फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा तुमने मतलब कैसे ठीक है मतलब क्या किया आपने मतलब कौन सा औषधि सेवन किया मुझे जरा विस्तार से बताओ। बोले कि आपने जो दिया था कागज का मतलब टुकड़ा 4 हिस्सा उसको करके एक एक हिस्सा मतलब पानी के साथ में नींबू पानी के साथ में गर्म पानी से सेवन करने के लिए बोल दिया, वो तो रास्ते में ही मतलब मैंने उसको एक मतलब 4 टुकड़ा करके एक टुकड़ा उसको मतलब मैंने कागज के टुकड़े को मैंने चबा चबा करके घर पे आ गया, और घर पे आकर के मतलब गर्म पानी से मतलब गर्म पानी पी लिया थोड़ा मतलब नींबू पानी मिला करके सो गया। फिर सुबह में मतलब ऐसे ही मतलब एक टुकड़ा मतलब मैंने खाली पेट में चबा चबा के खा लिया, फिर ऊपर से नींबू पानी पी लिया, फिर शाम को ऐसे किया और आज सुबह में ऐसे किया, अभी तो मुझे कोई दर्द नहीं है। तो मैं वहां पे विचार में पड़ गया, केवल मैंने औषधि के नाम लिखे थे, औषधि को दिया ही नहीं था। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, केवल औषधि के नाम लिखे थे और मैंने केवल इतना कहा था कि उसको 4 टुकड़े करने, मतलब जो औषधि उसमें लिखे हैं सबको मिलाकर 4 टुकड़े करने हैं, 4 हिस्से करने हैं, और एक एक हिस्सा आपको सुबह शाम मतलब खाना है गर्म पानी से या तो पानी से या तो नींबू पानी से। तो उसने मतलब केवल जो उस औषधि के जो नाम लिखे हुए थे उसमें मतलब 4 हिस्सा करके एक हिस्सा मतलब सुबह में एक हिस्सा शाम को ऐसा करके उन्होंने खाया और ऊपर से नींबू पानी गर्म पानी को पी लिया, और वो 2 दिन में ठीक हो गए। ये कैसे ठीक हो गए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ हालांकि आयुर्वेद में इतना है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र के प्रति, तीर्थों के प्रति, देवताओं के प्रति, परमात्मा के प्रति और देवज्ञ यानी कि जो ज्योतिष को जानने वाले हैं उनके प्रति, और भेषज यानी कि औषधियों के प्रति, और ये देवज्ञ भेषज यानी कि वैद्य के प्रति, और गुरु के प्रति और ब्राह्मण के प्रति, आपके मन में जैसी भावना रहेगी आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये मतलब मुझे उस दिन समझ में आया सच में कि आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में जैसे चरक जी ने कहा है कि निष्ठा होनी चाहिए और समर्पण की भावना होनी चाहिए। यदि आपके मन में निष्ठा नहीं है, समर्पण नहीं है, आप कितना भी महंगे से महंगी दवाई कर लो, कितना भी आप मतलब कर लो, उससे ठीक नहीं होगा। मन में यदि आपके मन में द्वंद है, अरे वैद्य जी ने तो बताया चलो खा के देखते हैं, 2-3 दिन देखते हैं, 15 दिन के लिए बोले हैं तो 15 दिन खा के देखते हैं, नहीं होता है तो फिर वैद्य को बोलेंगे, तो इसका अर्थ है आपको कभी ठीक नहीं होगा। जब हमारे पास मतलब रोगी आते हैं, जब मुझे मतलब उनके हालांकि से मतलब थोड़ा सा हल्का सा झलक भी मतलब ये पता चल जाता है कि वो वैद्य के पास मतलब मेरे पास कभी एक बार मतलब रोगी आए थे,
कंधमाल जिले से आए थे, और मतलब वो साथ में 3-4 लोग मतलब मिलकर के आए थे। वो किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाते थे, मतलब अर्थपीडियो को दिखा रहे थे। तो उस दिन मतलब वो थे नहीं, तो वो गलती से मेरे पास आ गए थे। तो वो मतलब वो बातचीत कर रहे थे, मतलब मैं उनको मतलब नाड़ी देख रहा हूँ, और उनके मतलब जो पीछे बैठे हुए उनके सदस्य, उनके कोई मतलब परिजन है, पुरजन है, मुझे नहीं मालूम कि उनके रिश्ते में क्या है। वो बातचीत कर रहे थे, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा दिखता था। अभी पता नहीं अभी ये वैद्य के पास आ गया, ये नाड़ी देख रहा है, अभी से ठीक होगा या नहीं होगा। जैसे ही मेरे मानो कानों में पड़ गया, तो मैंने उनको मतलब नाड़ी वहीं पे रोक दिया देखने का, और मैंने बोल दिया कि आपकी नाड़ी, मतलब मैंने वहां पे नहीं बोला कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, आपके विचार मतलब खराब है। मैंने उसमें ये बोल दिया कि आपकी नाड़ी जिस प्रकार से आ रही है, उसकी औषधि मेरे पास अभी नहीं है, ना ही मैं इसको मतलब मैं ठीक कर सकता हूँ, इसका चिकित्सा मुझे मालूम नहीं है। आप एक काम करो, किसी अच्छे वैद्य से आप मतलब मिल करके उसकी चिकित्सा करा लो। ये करके मतलब मैंने उनको वापस भेज दिया था। तो जब हमारे मतलब ये कानों में पड़ने लगते हैं, तो हम तो उसको मतलब औषधि बताते नहीं है, या तो चिकित्सा बताते हैं, क्योंकि ये मतलब मेरे गुरु से ये मुझे मतलब इतना मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिसकी मतलब समर्पण भावना नहीं है, निष्ठा नहीं है, उसको औषधि नहीं देनी है। इसीलिए आयुर्वेद में भी कहा है कि अपने पड़ोस को कभी औषधि नहीं देनी है, पड़ोस की कभी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अपने अपनों के कभी मतलब अपने बंधु बांधवों के रिश्तेदारों की कभी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहा गया है, और कोई कारण नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे नियम है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि समर्पण की भावना रखिए, निष्ठा की भावना रखिए, और औषधि चिंतित विष्णु, जब आप औषधि का सेवन करें तो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हो जाए कि हे भगवान विष्णु, ये सारा संसार तो आपकी ही लीला है, आपने ही तो इसे सृष्टि की है, आप ही तो पालन कर रहे हैं, आप ही तो परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में सबके हृदय में बसे 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 हुए हैं, विराजमान है। तो रोग ही तो आप है, औषधि भी आप है, तो फिर मतलब चिंता की क्या बात है, मैं आपका ही स्मरण कर रहा हूँ। तो स्वस्थ भी आप है, आरोग्य भी आप है, रोगी भी रोग भी आप है, तो आप रोग का रूप छोड़ करके मेरे सामने आरोग्य के रूप मतलब प्रतिमान में प्रतिष्ठान हो जाइए, या तो प्रकट हो जाइए। मैं आपको अब रोग का रूप आपका मतलब दर्शन कर लिया, अब मैंने आपका मैं आपका अब आरोग्य रूपी आपका रूप रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, या तो चाहती हूँ, कृपा करके मुझे अब आरोग्य के रूपी का जो रूप है, आरोग्य रूप, वो उस रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो ये भावना करके जब आप औषधि का सेवन करेंगे, वो 100% आपको फलेगा। और आयुर्वेद में मतलब चिकित्सा सूत्र में चरक जी ने ये बताए कि रोगी को प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, आयुर्वेदिक तो विष्णु सहस्त्र नाम, और प्रत्येक दिन प्रातः संध्या सायन संध्या में ये विचार करना चाहिए कि मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रत्येक दिन मतलब दिनों दिन मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं और भी मतलब स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, या तो कर रही हूँ, ये भावना अपने मन में अवश्य होना चाहिए। तो निसंदेह, क्योंकि जितने सारे जो रोग है, ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये अपना ये यंत्रणा है, ये वेदना है, ये जो ग्रस्त मतलब ये जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है, ये सारा का सारा मन का विकार है, शरीर का और आत्मा के साथ में, इंद्रियों के साथ में कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, केवल मन का छलावा है। तो जो मन को अपने वश में कर लेगा, वो रोगों को अपने वश में कर लेगा। हमारा यही प्रयास है कि आप कभी रोगी ही ना बने, सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और सदा मतलब निरोगी रहे, आरोग्य बने। आशा करता हूँ आज मतलब जो दो प्रकार की मतलब घटनाएं मतलब आप लोग के सामने बताया, वो कुछ ना कुछ आपको मतलब लाभकारी होगा। तो ठीक है, अभी आप लोग की मतलब क्या मन में चल रही है वो भी थोड़ा बताइए। सब मतलब जागृत है कि सो गए क्लियर है? हैं? नहीं आसमान नहीं 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 सब क्लियर है। और अगर ऐसी कोई और भी बातें वैसे तो हैं, बट उनको फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी 10:40 हो गए, बहुत समय हो गया। तो जी बाकी अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी तो मैं जरूर यहाँ पे रखूँगा। और मैं सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ विनती है कि आप लोग जब भी व्याख्यान को सुनते हैं, जैसे 190-91 नंबर आज हुआ, तो खुद को स्टूडेंट बन के सुने, पेशेंट बन के ना सुने। सबसे पहले इतना करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आप धंसते जाएंगे खुद को पेशेंट समझ के। पेशेंट अगर आप हैं, उसको अलग रखें उस टाइम, कम से कम सुनते वक्त अलग रखें उस चीज को। तो यही है, बाकी डन है। हरजिंदर भैया, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। जैसे कि हम वैद्य जी से, किसी भी वैद्य से हम अपना इलाज कराते हैं, तो उसमें कई लोग वैद्य जी दक्षिणा नहीं मांगते, तो हमें दक्षिणा देनी है तो कैसे दी जाए?
अन्य सदस्य को भी जैसे जानकारी हो। कई लोग क्या करते हैं कि जी तुम तो वैद्य तो फ्री नाड़ी देख रहे हैं, दिखा के चल देते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुछ चर्चा हो जाए तो बढ़िया। तो देखिए भैया, करना ही चाहिए सबको। लोगों के मन में क्या रहता है ना कि मुझे 500 ही देना है, 1000 ही देना है। आप अगर 1 रुपया भी दे रहे हैं तो मायने रखता है। आप 100 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि कम है। एक एक कर एक एक से ही 1000 बनता है। और बाकी ये तो करना ही चाहिए, ये सबको जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक्चुअली इसका एक और तर्क सब लोग देते ही हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां तो नहीं पूछते, है ना। डॉक्टर तो बहुत सारे डॉक्टर पहले क्या करते थे, 1 हफ्ते के लिए वैलिडिटी रखते थे पैसे की। अब कहीं उन्हें 4 दिन कर दिए, कहीं उन्हें 3 दिन कर दिए, और कहीं तो जब जब जाओगे तब तब देना है, चाहे 500 है चाहे 1000 है। तो और ग्रंथों के हिसाब से बोला भी जाता है कि नहीं लेना है। बट अब वैद्य का घर कैसे चलेगा, चाहे गोविंद भैया हैं चाहे वो कोई भी और व्यक्ति है कि जो कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, ग्लोबल, मुझे तो लगता है ग्लोबल लेवल पे भी कुछ लोग फ्री में पक्का कर रहे होंगे, दूसरे देशों में भी करते हैं। जो नेचुरल हीलिंग में है वो लोग फ्री में करने वाले दूसरे देशों में भी हैं। तो अब यहाँ पे जनता को थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि जब आप दे सकते हैं, एक्चुअली ले दे के बाद इतनी सी है भैया, जनता जिज्ञासु नहीं है। देखिए मैं एक बड़ी हार्ड बात बोलने वाला हूँ, अब पेशेंट वैद्य का सगा नहीं होता, ठीक है। वो किसी का सगा नहीं होता, वो अपनी प्रॉब्लम का सगा होता है असल में। क्योंकि उसको अपनी चिकित्सा करानी है, उसको मतलब अगर हर पेशेंट जिज्ञासु बन जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो वो ठीक ही हो जाएगा, वो तो सकारात्मक हो जाएगा ना। वो जिज्ञासु नहीं है, वो उसको सिर्फ निवारण चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल भूख लगी किसी को, खाना खा लिया, हो गया चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो हो गया तो हो गया। मतलब अगर हम जिज्ञासु हो जाएंगे फिर तो हम ठीक ही हो गए, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया चिकित्सा का। तो हम बोल सकते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि आप करें, जितना सहयोग कर सकते हैं करें। नंबर, और कुछ लोग बोलते हैं नंबर नंबर दे दीजिए पेटीएम का नंबर तो आपके आप सबके पास है, इसमें देला क्या है, समझ रहे हैं। और सबको ठीक है पता है भैया। कि हर नंबर पे पेटीएम है ही है आजकल। भैया कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैंने चिकित्सा ली है वैद्य से या गोविंद भाई से या अन्य से और मैं देना चाहता हूँ, और ठीक है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि देते भी है ठीक है, और कई लोग होते हैं कि मैं इनको दक्षिणा नहीं दूंगा तो इसलिए मेरे को लाभ नहीं होगा, और कई लोग सोचते भी जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरे को ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं वैद्य से 2 लाइन लेना चाहूंगा जी। वैद्य मेरी आवाज सुन पा रहे हो? वैद्य आपका माइक बंद है। जी सभी को प्रणाम। अगर आप इजाजत दें तो इस लाइन पर मैं कुछ बोल दूं अपना वैद्य से पहले। जी। जी, शुक्रिया। देखिए हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, आप खुद सोचिए ये बात। जब द्रोणाचार्य जी और अश्वत्थामा जब आए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, परंतु उन्होंने एक मूर्ति बना के जो है अपना गुरु मानकर उनको जो है वो विद्या ग्रहण कर ली थी, अपने आप ही सीख ली थी। तो सभी अगर हम आज की सोच रखें तो उनके गुरु नहीं थे, परंतु उन्होंने तो गुरु मान लिया था ना दिल से, तभी तो वो सीख पाए ना। तो जब द्रोणाचार्य जी ने जब उनसे गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्होंने जब वो अंगूठा उतार के दे दिया, तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये जो खाली जो हम किसी भी वैद्य से या किसी भी गुरु से कुछ चीज ले लेते हैं तो क्या वो हमें फिर वो फलित या कुछ उसका उतना फायदा मिल पाएगा, क्या वो भावना या वो भाव से वो हम ठीक हो पाएंगे? तो
मेरा तो मानना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे शास्त्र में लिखित बात है और ये उदाहरण भी है जीता जागता अश्वत्थामा जी का उसका, ठीक है जी। तो वो अंगूठा जब उतारते तो दिया जाता, हाँ जी, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए। जैसे हम किसी भी पंडित के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, तो उसके पत्रे के ऊपर पहले पैसे रखने होते हैं, उसके बाद फिर पूछना होता है कोई भी सवाल हो चाहे। तो इसी तरीके से हमें अपने वैद्य गुणों का, अपने गुरुजनों का सिस्टम वो देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने भरोसे ही हैं, ठीक है ना, और अपने उस तरीके से ही काम करते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित बात और कहानियां हैं और ये मतलब सच है जी। अब वैद्य जी अगर इस पे कुछ प्रकाश डालें। जी बहुत अच्छी मतलब जानकारी आपने दी है, शास्त्रों में इसके लिए मतलब समर्थन है, सहमत है। ऐसा कहा गया है कि जब आप अपने बहन के घर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जब आप अपने मित्र के घर पर जाओ, मित्र से मिले, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी अपने बंधु के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर, वहां तो किसी कभी भी मतलब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह अपने गुरु के पास जाते हैं गुरु के दर्शन के लिए, तो कभी खाली हाथ दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि आप देवालय यानी कि सुरालय जाते हैं, कोई भी मंदिर जाते हैं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि गौ माता के पास, यदि नंदी के महाराज के पास यानी कि गौशाला में जाते हैं, तो भी आपको खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। यदि किसी सन्यासी, यदि यति मुनि ऋषि के पास भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार किसी ज्योतिष के पास, यदि किसी वैद्य के पास जाते हैं, तो आपको खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों के अनुसार मतलब नियम है, परंतु ये बात हमने आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये व्यापार करने के लिए आए हैं, अपना धंधा व्यापार मतलब यहाँ पे फैलाने के लिए आए हैं, सबको मतलब लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि हर तरफ ये केवल आपको मतलब देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमने आज तक ये बताया नहीं था, परंतु ये शास्त्र सम्मत विधि से सही है। परंतु उसमें ये कहा गया है कि उसमें ये नहीं है कि आपको मतलब केवल सोना चांदी जैसे मतलब मंदिरों में चढ़ाया जाता है ऐसा देना चाहिए। उसमें कहा गया है कि आप मतलब फल भी दे सकते हैं, फूल भी दे सकते हैं, कुछ नहीं तो आप मतलब जल भी मतलब दे सकते हैं, उसमें ऐसा कहा गया है। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा देंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई नियम बना लिया है, ऐसा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से फिर उसको चिंतन करें, मनन करें। जी मैं तो एक बात बोलूंगा यहाँ पे, माफी चाहूंगा फिर से बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे गोविंद भैया है या सत्यवान जी हैं, ठीक है, या और भी कोई भी वैद्य जी हैं, तो जिसको जो भी अच्छे लगते हैं मतलब जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको अभी हम अपने ग्रुप में कितने सदस्य होंगे टोटल, कोई बता सकता है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। कोई बता सकता? 48 है जी, 48 है। नहीं नहीं, नहीं टोटल, अरे टोटल मेंबर समूह में वीसी पे नहीं, टोटल समूह में 3134 3134। माफ कीजिएगा मेरा नेट इश्यू हो रखा है थोड़ा जी, टोटल पूछ रहा था मैं एक बार ना। 3134 आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही ना। आवाज हमें आ रही है और मेंबर है 3000 प्लस। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, 3000 प्लस मेंबर है। जी 3000 प्लस मेंबर है। तो अगर हम एक रुपया भी ठीक है महीने में एक बार, डेली एक बार, एक दिन में एक बार, वो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, ठीक है, एक रुपया भी डालना अगर हम एक अकाउंट में शुरू कर दे, तो जितने ये हमारे वैद्यगण है ना, जितने भी हमारे गुरुजन है, तो इनका मेरे ख्याल में जो आने जाने का खर्चा, यहाँ पे बैठने का खर्चा,
और अपने जितने भी ग्रंथ ला कर, क्योंकि फ्री में तो आते नहीं है ग्रंथ, ठीक है, ये पढ़ने का खर्चा, बैठकर बिजली का खर्चा, ये सब कुछ निकल सकता है हमारे सिर्फ 1 रुपए से। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते क्या कि हम डेली का 1 रुपया दान कर दें, महीने के 30 रुपए तो हुए, तो इतना तो कर सकते हैं ना। परंतु एक क्रांति, एक माइंड में सोच हो के भी हमें सहायता करनी है किस तरीके से, और वो सहायता नहीं है, वो हम पूछ रहे हैं उनसे डेली के डेली ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उस चीज का, यानी कि एक गुरु दक्षिणा है। तो देख लीजिएगा आप लोगों के, अगर समझ में आए तो माफ कीजिएगा अगर कुछ बात बुरी लगी हो तो मेरी। जी आपकी बात एकदम सही, हम मतलब आपकी बात एकदम सही और हम इस बात से सहमत हैं, आप रोज का दें या आप मंथली दें, दें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ जी। बाकी लोग भी बताइए भाई, डेली दे सकता है, महीने में एक बार दे सकता है भाई, 1 रुपया भी हम डेली अकाउंट में डालेंगे तो महीने के 30 रुपए हो गए, 30 रुपए इकट्ठे डाल दे एक व्यक्ति तो 3000 व्यक्ति है तो हो जाते हैं, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं और कोई बड़ी राशि भी नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने कहा, बस और कुछ नहीं। इस बात से सहमत है जी। जी बाकी लोग भी बताइए, सभी अपनी अपनी राय रखिए प्लीज। सर मैं भी सहमत हूँ। जो लोग मौन है उनकी सहमति ऑटोमेटिक हो जाती है। जी 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 ठीक है ठीक है। सुशील जी, दीपक भाई, क्लोजिंग। जी भैया बिल्कुल, समय काफी हो गया भाई, इस बात को पूरा कंप्लीट कर दीजिए ना कि एक ऐसा कोई अकाउंट है क्या अपना, कोई अपने ग्रुप का कुछ ऐसा जिसमें अकाउंट नहीं है संगठन। हरजिंदर भैया ने बता दिया स्पष्ट, समझने वाले समझ गए और ना समझने वाले नहीं समझेंगे। हम हमारा संस्था का कोई भी अकाउंट नहीं है, अगर किसी को सहयोग करना है, वैद्य जी को करना है तो उनका नंबर पब्लिक है और गोविंद भैया का नंबर सबके पास है, पब्लिक है, तो सहयोग कर सकते हैं। और संस्था का कोई भी अकाउंट या नंबर ऐसा नहीं है जिस पर आपको सहयोग करना है, आप व्यक्ति विशेष यानी वैद्य जी को या गोविंद भैया को, दीपक भाई से परामर्श ले रहे हैं, अरुण भाई से ले रहे हैं, सुशील भैया से ले रहे हैं, तो वो आपकी आपकी अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, इसको श्रद्धा भी कह सकते हैं, वो आपको खुद देखना है। हमने आपको बता दिया है कि अकाउंट वगैरह नहीं है, नंबर पे ही आप कर सकते हैं और आजकल हर नंबर पे पेटीएम वगैरह सब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है आप, और अगर आपने डाल भी दिया तो वो UPI वगैरह सबके पास रजिस्टर्ड है आजकल, नहीं जाएगा तो फेल हो जाएगा, इसमें क्या है, वापिस आ जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो ठीक है। दीपक भाई आप कंटिन्यू करो। श्रीमान जी इतनी बड़ी रकम फिर आप ले कहाँ जाएंगे, या तो एक संस्था का एक अकाउंट खोलिए, ना इनकम टैक्स वाले पूछेंगे आपसे कितना रुपया कहाँ जा रहा है, रोज आमदनी कहाँ जा रही है, इतनी आएगी नहीं ना। 3000 रुपया जाएंगे रोज हो गया, अरे सिंह हो गया, गांव बसानी, आपने एक कहावत सुनी है, गांव बसानी है और ऊपर से आप पहले ही इतनी, चलो छोड़ो। हाँ बिल्कुल, इतनी आएगी नहीं। मैं कहता इस बात में मैं इतना ही कहूंगा, मैं चाहूंगा अगर रेड पड़े ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले रेड पड़े भैया, मैं कुछ बोलूं क्या जी, बोलिए भाई, इस ग्रुप में हो सकता है 3000 लोग हों, लेकिन जो रोजाना जुड़ने वाले हैं वो 50 के आसपास लोग हैं, और 50 में से भी अगर 2-4-5 लोग नहीं भी देंगे तो मुश्किल से 40 या 50 लोग, 40-50 लोग अगर हर महीने भी देंगे तो कितना होगा, रेड तो तब भी पड़ेगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, 30-40 हजार, 20 हजार, 10 हजार, क्या पता चलेगा कि कितने से पैसे आए, वो ज्यादा आएंगे ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, बाकी चलो ऐसा कभी भी कुछ होगा तब देखेंगे, ऐसा होगा नहीं, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो दीपक भाई आप क्लोजिंग करें प्लीज, बेटा समय बहुत ज्यादा हो गया, 11 ही बजने वाले हैं, बस 3 मिनट बन बाकी। चुके हैं। भाई आप हैं? अरुण भाई आप हैं? जिनके अकाउंट पे नाम है ओम नमः शिवाय, भैया आप शांति पाठ कर सकते हैं तो करें कृपया। नहीं भाई, मैं थोड़ा इस जगह पे बैठा हूँ कि आवाज बो। हाँ, आप जी लोग कीजिए प्लीज। ठीक है, कोई भी शांति पाठ कर सके कृपया करें। बात नहीं, गायत्री मंत्र का पठन करके भी शांति पाठ करा सकते जी हैं। जी सुशील भैया से आगे करना चाहूंगा, सुशील भैया आप जी जी गायत्री जी मंत्र का जप पाठ करके शांति पाठ करा जी लीजिए। जी वैद्य जी, आभार अभिनंदन वैद्य जी का और वैद्य जी के गुरु जी का, जिसने जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा हमारे वैद्य जी को दी, और भगवान धन्वंतरी को मैं नमन करता हूँ। तो आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं और गायत्री मंत्र से हम विदा करते हैं जी। सभी 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करके हम वैद्य जी को विदा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम राम, वंदे मातरम जी। गच्छ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक, लगभग 2 हो रहा के ऊपर, 2:15 हो गया, इतना समय देने के लिए। और भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना है, आप सबके आलोचक पित्त को शक्ति दे, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त को बरकरार रखे, जिससे कि आपका कभी भी मत भ्रष्ट न हो, पथ भ्रष्ट न हो, कभी मति में कभी दुर्मति न आए, आप सबकी कभी दुर्गति ना हो। इतना कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ, आप सबसे सबको राम राम, शुभ रात्रि, नमस्ते, जय अरविंद। राम राम।